एक एक व्यक्ति को बहुजन समाज पार्टी से जोड़ना पड़ेगा। इसलिए सम्मानित साथियों, परम पूज्य बाबा साहब जिनका भी हम लोग नमन कर रहे थे, समय समय पर हम लोग याद करते हैं। सम्मानित साथियों, परम पूज्य बाबा साहब, बहुत से जो नौजवान पीढ़ी है, जो हमारे नौजवान साथी हैं, नौजवान हमारी जो बहनें, क्योंकि इन लोगों को नहीं पता कि हमारे पूर्वजों ने क्या संघर्ष किया है, हमारे गार्जियनों को क्या क्या जलाला झेलना पड़ा है, ये नई पीढ़ी को नहीं पता है, क्योंकि नई पीढ़ी ने तो कुछ देखा नहीं है, तो उसे क्या पता रहेगा। लेकिन मेरे दोस्तों, सम्मानित साथियों, परम पूज बाबा साहब जब कक्षा एक में पढ़ते थे, जब विद्यालय जाते थे, तो बाबा साहब के साथ कोई बैठता नहीं था, अपनी टाट पट्टी खुद ले जाना पड़ता था, कोई दोस्ती नहीं करता था। इसलिए नहीं दोस्ती करता था कि अगर हम बाबा साहब को छू लेंगे, बाबा साहब हमको छू लेंगे, तो हम अछूत हो जाएंगे। इसलिए सम्मानित साथियों, कोई परम पूज बाबा साहब के साथ बैठने का काम नहीं करता था। हमारी बहनें बैठी हैं, आपको शिक्षा आप ग्रहण नहीं कर सकती थी, लेकिन धन्य परम पूज बाबा साहब, आज जो हमारी बहनें कोई आईएएस कोई पीसीएस बन जा रहा है, कोई पुलिस में नौकरी कर रहा है, अगर ये किसी की देन है तो परम पूज बाबा साहब की देन है, वरना हमको आपको परम पूज बाबा साहब कक्षा पांच के बाद जब पढ़ते गए जब कक्षा आठ में एडमिशन होना था, तो कोई भी विद्यालय बाबा साहब का एडमिशन करने के लिए तैयार नहीं हुआ। और माता भीमा बाई जो कि सूबेदार की पत्नी थी, परम पूज बाबा साहब के पिताजी सूबेदार थे, माता भीमा बाई को लगा ना कि जैसे अभी हमारे आपके घर में कोई पुलिस दरोगा हो जाए, तभी दरवाइन तो लगेगा ना कि भाई हमारे लड़के के एडमिशन क्यों नहीं हो रहा है। तो उसी तरह परम पूज बाबा साहब की माँ, वो चूंकि उनके पिताजी सूबेदार थे, तो माता भीमा बाई ने कहा कि आखिर ऐसी कौन सी बात है, आज आप एक हफ्ता हो गया है भीम का एडमिशन आप नहीं करा पा रहे हो। वो दुखी मन से बोले कि मैं कई विद्यालय गया हूं, लेकिन कोई भी परम पूज बाबा साहब का एडमिशन करने के लिए नहीं तैयार है, और एक विद्यालय तैयार हुआ है तो उसने शर्त रखा है। तो कहें क्या शर्त है, बाबा साहब भी सुन रहे थे, भीम छोटे थे वो सुन रहे थे, तो कहें शर्त क्या, कहें शर्त ये है कि परम पूज बाबा साहब को विद्यालय के प्रधानाचार्य ने ये कहा है कि छात्र तो अंदर बैठ के, तो हमको आपको सावधान रहने की जरूरत है, चुनाव आ जाता है, हमको आपको तमाम लोग जो है जात के नाम पर, ये जो 5 किलो राशन दे रहे ना, आज गैस सिलेंडर कई रुपए का हो गया बताइए, बहन जी की सरकार में 300 का था 350 का, आज 1100 को हो गए ना, अब 5 किलो राशन कितने का हो रहा है, 20-25 100 रुपए का, और गैस सिलेंडर कितना महंगा हो गया, कई गुना हो गया, 3 गुना 4 गुना चला गया, करू तेल क्या भाव है, अरहर की दाल क्या भाव है, डीजल पेट्रोल क्या भाव है, और आप होटल में खाना खाने जाए, अभी 500 का खाना खाओगे तो 100 रुपए एक्स्ट्रा लेते हैं, जीएसटी कौन कौन टैक्स लगा दिए हैं कि भारत की जनता समझे नहीं पा रही है। इसलिए मेरे दोस्तों, आज महंगाई चरम पे है, जब जनता महंगाई की बात करती है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता योगी मोदी जी मन की बात करते हैं, तो मन की बात से पेट भरने वाला नहीं। मेरे दोस्तों, महापुरुषों ने तमाम संघर्ष किया, हमको आपको पानी पीने का अधिकार नहीं था, परम पूज बाबा साहब जब महार तालाब महाराज में, आप लोगों को तमाम मालूम होगा, तमाम लोगों ने किताब में पढ़ा होगा, मेरे दोस्तों तालाब में कुत्ता पानी पी सकता था, जानवर पानी पी सकता था, लेकिन हम इंसान उस तालाब में पानी नहीं पी सकते थे, लेकिन परम पूज बाबा साहब ने कहा कि काल महार तालाब में हमको आपको पानी पीना है, और महार तालाब के लिए भी, तालाब में पानी पीने के लिए भी परम पूज बाबा साहब को संघर्ष करना पड़ा, और तमाम नौजवान इकट्ठा हुए, जब महार तालाब में पानी पीने गए तो तमाम मानवादी लोगों ने परम पूज बाबा साहब के ऊपर हमला कर दिया। आज भी वो महार तालाब है परम पूज बाबा साहब के नाम पर। बाबा साहब ने कहा कल मंदिर में घुसेंगे, देखते हैं कैसे हम लोगों को रोकते हैं। परम पूज बाबा साहब मंदिर में भी घुसने का काम किए, और मेरे दोस्तों, परम पूज बाबा साहब जब वकालत करके आए थे, चूंकि एलएलबी भी किए थे, जब महाराष्ट्र में हाई कोर्ट में परम पूज बाबा साहब ने रजिस्ट्रेशन करवाया, तो हमारे लोगों के मुकदमे नहीं लड़े जाते थे, हमारे लोगों कोई मुकदमा लड़ता था, हमारे आपके पैसे नहीं था, हमारी आपकी जो खेती रहती थी वो भी लगान में चली जाती थी,
हमारे पास पैसा नहीं था ना हम लोग हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे, लेकिन परम पूज बाबा साहब तमाम पीड़ित लोग जो दर बदर की ठोकरे खा रहे थे, हमारे लोगों की इज्जत लूट ली जाती थी, घर कब्जा कर लिए जाते थे, लेकिन परम पूज बाबा साहब जब बॉम्बे हाईकोर्ट में रजिस्ट्रेशन कराए तो चार मुकदमे बाबा साहब के पास आया।